इसके बाद से उनके पैतृक गांव में बावड़ी में मातम पसरा है। दोपहर तक शहीद के पार्थिव शरीर को सीकर पहुंचने की उम्मीद है और दीपचंद की शहादत पर सांसद सुमेधा नंद, विधायक महादेव सिंह, मंत्री गोविंद सिंह डोटरसा ने संवेदना जताई है। और वहीं शहीद की पत्नी सरोज बार बार बेसुध हो रही हैं। शहीद के घर पर लोगों का जमावड़ा लगा है। आपको बताते चलें कि दीपचंद 13 जुलाई को अपने बेटे के जन्मदिन पर घर आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी शहादत की खबर आ गई। आपको बता दें, सोपोर में कल आतंकियों ने सीआरपीएफ के दल पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें दीपचंद वर्मा घायल हुए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दीपचंद 2013 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और 6 महीने पहले ही उनका प्रमोशन हेड कांस्टेबल के तौर पर हुआ था। और ये आइए इस गंभीर खबर पर सीधा रुख कर रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक की, और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ में मौजूद हैं अशोक। राजस्थान के एक और लाल ने अपनी शहादत दी है, और राजस्थान के से कहा जाए तो कई बार इस तरह की शहादतें सामने आई हैं, और कुछ ही दिन में घर लौटने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनकी शहादत की खबर। काफी गंभीर माहौल होगा, क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, सिखावटी अंचल शहीदों और शहादत के लिए जाना जाता है, और आज एक और रणबांकुरे ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, दीपचंद वर्मा ने। गांव में गमगीन माहौल है। कल जैसे ही सूचना लगी थी पूरे गांव में गमगीन माहौल था। कल उनकी पत्नी जो है अजमेर से आई थी, सीआरपीएफ के जो है जवान उनके साथ आए थे। गांव में चूल्हे नहीं जले हैं, काफी संख्या में लोग जो है शहीद के घर पर आकर के इकट्ठा हो गए हैं, और शहीद के पार्थिव देह जो है उसका अपने लाडले का जो है अंतिम दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर तक जो है शहीद दीपचंद वर्मा का पार्थिव देह बावड़ी गांव पहुंचेगा, और उसके बाद में पूरे राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी अशोक, साथ ही ये भी जानना चाहते हैं इस अंतिम संस्कार में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, क्या सेना की ओर से भी कुछ लोग वहां पर शामिल होंगे, क्या कुछ अपडेट्स इस पर? देखिए, सीआरपीएफ की टुकड़ी जो है वो कल ही आ गई थी। इसके अलावा गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए सीआरपीएफ की टुकड़ी की जो जवान जो होते हैं वो अलग जाते हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन तमाम वहां मौजूद रहता है, जनप्रतिनिधि वहां मौजूद रहेंगे, सांसद सुमेधानंद सरस्वती हैं, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है महादेव सिंह खंडेला, तमाम लोग जो है इस जो शहादत की यात्रा में शामिल होंगे और उन शहीद की शहादत को नमन करेंगे और अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। हजारों की संख्या में जो है लोग जो है यहाँ पे फिलहाल आना शुरू हो गया है, अपने लाडले का इंतजार कर रहे हैं। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भी यहाँ पे पहुंच गए हैं, तमाम प्रशासनिक अमला जो है व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। अंतिम दर्शन की जिस तरीके से व्यवस्थाएं रहेंगी, शहीद का पार्थिव देह जैसे ही पहुंचेगा जो रस्मों रिवाज होती है वो जो उसको उनको निर्वहन किया जाएगा, उसके बाद में जो है शहीद की यात्रा जो है निकलेगी, और शहादत की यात्रा निकलने के बाद में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस की टुकड़ी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, सीआरपीएफ की टुकड़ी के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए।